आज का वीडियो सारे स्कूल कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे बातों को और टीचर भी थोड़ा दिल लगा के सुनना क्योंकि स्टूडेंट्स भी आपको सुनते हैं। 75% अटेंडेंस का जो होता है ना क्राइटेरिया, वो आपको कभी बोलना भी नहीं पड़ता अगर तीन चीज फॉलो किया जाता। हर एक बच्चे कॉलेज या स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। आई विश ये वीडियो टीचर्स के लाइफ में एक नया वैल्यू लाएगा एंड स्टूडेंट के लाइफ में एक नया हैप्पीनेस लाएगा। बच्चे स्कूल जाना पसंद करेंगे अगर ये तीन चीज टीचर्स फॉलो कर लें। उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि 75% अटेंडेंस चाहिए, वो खुद 80-90% अटेंडेंस करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, टीचर्स शुड बी इंटरैक्टिव। टीचर्स को इंटरेक्टिव होना चाहिए, टीचर्स थोड़ा फन करना चाहिए और पढ़ाने के टाइम में अच्छे से पढ़ाना चाहिए। थोड़े स्टोरीज, थोड़े इंसिडेंट, फैक्ट्स, फिगर और कभी कभी कुछ कोटेशंस, कुछ कुछ ऐसे चीजें जो ग्रैब करते हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में आना चाहिए ताकि वो अटेंशन दे। सेकेंड, टीचर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। कैसे? 20 साल 25 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा के? अगर 2 साल भी पढ़ा रहे हो या 1 साल भी पढ़ा रहे हो, पहले वाला दिन पढ़ाना और 1-2 महीने बाद का पढ़ाना, उसमें डिफरेंस आना चाहिए। अगर वो 1 साल का भी एक्सपीरियंस्ड है लेकिन हर दिन उनमें कुछ इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, वो कुछ स्टोरीज बोलते हैं, कभी कभी कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी छुट्टी देते हैं और कुछ कुछ फनी बातें बोलते हैं, और कभी पूरा जोर से पढ़ाते हैं, दम लगा के पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर्स मजे आते हैं और ऐसे टीचर्स होने से बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं कि टीचर हमेशा पढ़ाते नहीं, टीचर हमेशा डांटते नहीं, टीचर हमेशा हमको बाहर निकलवा नहीं देते। बच्चे बात करेंगे क्लास में, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आप अगर अच्छे से पढ़ाओ बच्चे बात नहीं करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन टीचर। अगर क्लास में हो, हमने कोचिंग में पढ़ा हुआ है, कोचिंग में पढ़ने में मजा आता था क्योंकि टीचर कभी कभी मजाक करते थे, लेकिन स्कूल पे मजा नहीं आता था। स्कूल पे 1 या 2 टीचर्स आते होंगे जिनको उतना मजा आता होगा, बाकी टीचर्स का उतना मजा नहीं आता। लेकिन कोचिंग में ज्यादातर टीचर ऐसे ही होते हैं जो थोड़ा इंटरेक्टिव होते हैं, वो शुरू में जैसे पढ़ाते हैं लास्ट में वैसे नहीं पढ़ाते, बीच बीच में थोड़ा फन करते हैं, कभी कभी उनको कुछ स्टोरीज बोलते हैं, अपने पास्ट का इंसिडेंट बोलते हैं, ये सब होता है तभी बच्चों को मजा आता है। कभी आपने किसी गलती किया है वो वाला बताइए ताकि वो बच्चे वो सेम गलती ना करें। आप अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे, बच्चे आपको छोटा नहीं बोलेंगे, बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि वो बोलेंगे टीचर का गलती हुआ था, वो नहीं चाहते मेरा गलती हो इसलिए वो बता रहे हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सो एज अ टीचर ये दोनों करेंगे आपको। और तीसरा, ये तो स्कूल को करना है, स्पोर्ट्स या गेम्स या कुछ म्यूजिक, डांसिंग, आर्ट रिलेटेड कुछ भी और गेम्स रिलेटेड कुछ भी जो एक्टिविटीज है, उसका एक ना एक क्लास रहना चाहिए हर दिन, ताकि बच्चे इंटरेस्टेड रहे कि आज क्लास जाएंगे, आज स्कूल जाएंगे तो ये वाले चीज़ के लिए जाएंगे। उनको शायद कुछ टीचर्स पसंद नहीं आ रहे लेकिन ये वाला चीज़ उनको ग्रैब करते हैं। सो ये तीन चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और कभी वो फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा कि 75% हो तभी एग्ज़ाम देने देंगे, बच्चे अकेले आएंगे, आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगा। बच्चे रिलेट कर चुके हैं तो शेयर करो, और टीचर्स अगर रिलेट की हो, थैंक यू, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।